डियर स्टूडेंट अभी हमने प्रीवियस सामरी देखी सामरी ऑफ मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन पार्ट वन रिग्रेशन पार्ट वन में हमने क्या फ़ाइंड किया बीटा की प्रॉपर्टीज फाइंड की पार्ट टू में हमने रेजिड्यूल्स की प्रॉपर्टी फाइंड की अब हम उसकी सैमरी पार्ट थ्री चेक करें अब फर्दर हम इसमें क्या फ़ाइंड करें हेयर इज़ द इंफ्रेंसेज फ्राम द एस्टिमेटेड रिग्रेशन इन दिस वंस एन इन्वेस्टिगेटर इज सेटिसफाइड फिटेड रिग्रेशन मॉडल इन्वेस्टिगेटर जो है वो सेटिसफाइड है जो आपने रिग्रेशन मॉडल निकाला है वो बिल्कुल हमारे पास ठीक आ गया यानी उसे सेटिसफाई हो गया इट कैन बी यूज टू सॉल्व टू प्रिडिक्शन प्रॉब्लम्स। अब हमारे पास प्रडिक्शन हमने चेक करनी है अंडर दिस मॉडल प्रिडिक्शन बेसिकली क्या थी कि आप डेटा के अंदर ही से प्रिडिक्ट कर सकते हो नेक्स्ट वैल्यूज को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो टू प्रिडिक्ट प्रॉब्लम हमारे पास आ रही लेट एक्स नॉट प्राइम अब एक्स नॉट प्राइम बेसिकली यहाँ पे क्या आपके पास होता है अगर आपको मॉडल याद हो तो हम यहाँ बीटा वन रख रहे थे तो बीटा वन कॉन्स्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी वन एक्स जीरो टू अपू सोन एक्स जीरो के ये तो जनरल आपके पास के प्रोडक्टर्स की बात हो रही है तो दिस इज द एक्स नॉट प्राइम बी selected वैल्यूज ऑफ द predictor वेरिएबल्स देन x नॉट एंड बीटा कैप कैन बी used टू estimate द रिग्रेशन फंक्शन अब हम इसको देख रहे हैं रिग्रेशन फंक्शन के अकॉर्डिंग दिस इज द मॉडल ये जो मैं अभी आपको प्रीवियस कह रही थी दिस इज द मॉडल बीटा वन तो कॉन्स्टेंट क्या हो गया वन यहाँ से बीटा टू आपके पास एक्स टू की वैल्यू हो गई एक्स जीरो टू देन बीटा के की यहाँ पे आपके पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं दैट इज द एक्स जीरो के एट एक्स नॉट टू एस्टिमेट वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स कौन सा है डिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली डिपेंडेंट को हमने एस्टिमेट करना है ना वाई एट एक्स नॉट बोथ डिस्कस लो अब हमने रिस्पॉन्स जो है इसको बेसिकली हम प्रिडिक्ट करें हैं कि अगर हमारी वैल्यूज जैसे हमारे पास सैलरी है कि सैलरी हमारी जो मैंने वेरिएबल्स आपको एक्सप्लेन किए थे कि वाई हमारे पास सैलरी है सैलरी किस पर डिपेंड कर रही है जो हमने स्टेटस ऑफ दी पर्सन देखना है तो सैलरी किस पर डिपेंड करी है एज एंड द्सपीरियंस अब हम ये चेक कर रहे हैं कि जो हमने प्रिडिक्ट करना है प्रिडिक्ट में हम टू प्रोडिक्ट उसमें कर रहे हैं रिस्पॉन्स तो हमारे पास सैलरी है लेकिन हम ये चेक कर रहे हैं वाई हमारे पास है रिस्पॉन्स एज एज के साथ अगर एज हमारे पास 35 है और हमारा एक्सपीरियंस हमारा 15 ईयर्स का है तो तब हमारे पास सैलरी कितनी होगी तो हम उसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना कि तब हमारे पास वाई जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसको हमने सैलरी का है वो कितनी होगी तो टू हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली के साथ सॉल्व किया है कि सैलरी कितनी होगी दिस इज द सी फ्रॉम द एस्टिमेटेड रिग्रेशन जिसमें हम मॉडल फिट होने के बाद हम उसको प्रिडिक्शन हैं एस्टिमेशन ऑफ द रिग्रेशन फंक्शन एट एक्स नॉट सेम यही चीजें आपके पास आगे मैथमेटिकल टर्म्स में हमने लिखी हैं लेट वाई नॉट वाई नॉट क्या हो गया आपके पास रिस्पॉन्स वेरिएबल है वेन द प्रिडिक्ट वेरिएबल अब हम इसको प्रिडिक्ट वेरिएबल्स प्रिडिक्ट करें किस को रिस्पॉन्स को डिपेंडेंट वेरिएबल have values of these. These are the values. According to the model, this is the regression model. In terms of matrix expected value of this. This is the expected value. आपके पास basically तो expected value हम find करते हैं ना expected salary बताएँगे कि expected salary कितनी होगी. Now the expected value of y not. This is the y not given x not. तो y not given x not क्योंकि x not अब आपके पास है. यहाँ पे हम उसको predict कर रहे हैं. वाई नॉट को और गिवन वैल्यूज हम यहाँ पे एक्स नॉट की एक्स नॉट आपके पास के इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसकी कोई वैल्यूज देंगे जिससे हमारे पास रिस्पॉन्स वेरिएबल प्रोडिक्ट होगा दिस इज द मॉडल और फर्दर हम इसको कैसे लिख रहे हैं एक्स नॉट प्राइम बीटा तो एक्स नॉट प्राइम बेसिकली एक्स नॉट प्राइम कहाँ है यहां देखो आप एक्स नॉट प्राइम वन क्योंकि इसके साथ वन एक्स जीरो टू अपू सन एक्स जीरो के तो ये आपके पास एक्स नॉट है बीटा जब हम इसको फर्दर उसमें लिखेंगे आप कैसे लिख सकते हो वापस यही बन जाएगा हम लिखेंगे वन एक्स जीरो टू अप अपू सोन एक्स जीरो के वेक्टर क्योंकि ये वेक्टर है प्राइम आ गया दिस इज द बीटा वन बीटा टू अपू सोन बीटा के तो हम इस इसको हमने लिख लिया एक्स नॉट प्राइम बीटा इट्स लीड्स एस्टीमेटर ऑफ दिस द अनबाइज लीनियर एस्टिमेटर हैज़ द मिनिमम वेरियंस ऑफ दिस आपको पता है अनबाइस निकालना है तो हमने उसका वेरियंस भी फाइंड करना है दिस इज देरियंस ऑफ एक्स नॉट प्राइम बीटा कै अब वेरियंस स्केयर फॉर्म में तो हम नहीं लिख सकते हैं तो यहाँ पे आपके पास उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग क्या हो गया स्क्यर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई प्राइम ई का हमने सॉल्व किया तो आपके पास रिजल्ट आ गया सिग्मा स्क्यर यहाँ पर जस्ट मैंने रिजल्ट मैंशन किए क्योंकि ये सारी चीज़ें हम रिग्रेशन में क्लियरली पड़ चुकी हैं तो यहाँ हम उसके रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं क्या आपके पास प्रिडिक्शन कैसे होगी प्रिडिक्शन का अगर हमने उसकी मीन निकाल ली है तो देन हम उसका किसके इक्वल है है फर्दर अज्यूम दैट द एरर एरर क्या होता नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है मीन भी हमारे पास आ गया वेरियंस भी हमारे पास आ गया तो देन हम उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल चेक करें तो कॉन्फिडेंस इंटरवल का बेसिक आपके पास फॉर्मूला क्या होता है कॉन्फिडेंस इंटरवल आपके पास होती है एस्टिमेटेड वैल्यू प्लस माइनस टी अगर टी टेस्ट है एल्फा बाई टू विथ इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड दरअर ऑफ दीमेटर तो स्टैंडर्ड आर हम यहाँ लेंगे बाई टू विद इट्स डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड दिस इज दर और आपको आइडिया है प्रीवियस आप देखो दिस इज यहाँ तो सिग्मा स्केयर हमने लिया ना सिग्मा स्केयर का हमने एस्टिमेट यूज कर दिया एस स्वर तो एसर हमने यूज किया देन हम यहाँ पे टी ही यूज करें सिग्मा स्क्र हो तो आपको पता है जी यूज करते हैं रियल लाइफ में हमें सिग्मा स्केयर तो नोन नहीं होता हम उसका एस्टिमेट ही यूज करते हैं दैट इज एस तो एस स्क्र होगा इसलिए उसका स्केयर रूट से हमने उसको पाई ले लिया तो आपके पास टर्म क्या बन गई ये वाली टर्म थी ना ये आपको एस स्क्र से रिप्लेस हो गया है तो फर्दर स्क्र रूट आ गया दिस इज दमूला ऑफ द कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड द टेस्ट टेस्टिक्स फॉर टेस्टिंग द हाइपोथेसिस अबाउट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स वैल्यू इज दिस

वी रिजेक्ट दी हाईपोथिस इफ़ द कैल्कुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर दैन द टेबल वैल्यू और द क्रिटिकल वैल्यू एट एल्फा परसेंट सो वी रिजेक्ट एज नॉट दिस इज दमरी ऑफ द मल्टीपल वीनियर रिग्रेसन जो जिसमें हमने हर चीज़ चेक कर ली है हमने उसकी एस्टिमेट भी चेक कर लिया वेरियंसिस भी हमने चेक कर लिए एंड देन हमने उसका कॉन्फिडेंस इंटरवल भी चेक किया प्रोडिक्शन भी चेक कर लिया देन प्रोडिक्शन के हमने स्टेटिस्टिक्स भी देख लिए और स्टेटिस्टिक्स के बाद फर्दर अगर उसकी टेस्टिंग होगी तो हम नुमरिकली वो भी चेक कर लेंगे इसमें